अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेक्चर नंबर 21। इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन विच वी हैव डिस्कस्ड सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड देन वी हैव स्टार्टेड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कंसर्निंग द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ एंड वी लेफ्ट आवर लास्ट लेसन in discussing the battle of Badr. The important points which we will discuss today, the points are the battle of Uhud, the relations of Muslim with the Jews, the battle of Ahzab, which is also known as the battle of Allies or the battle of Tench, the treaty of Hudaybiyah, apostles to the king and the governors, Mota expedition, the fall of Khaybar, the conquest of Makkah, the battle of Hunain, march on Tabuk, the farewell Hajj, and in last we will discuss the death of Prophet Muhammad peace be upon him, the passing away of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जैसा कि हमने पिछली क्लास में गज़वा बदर के बारे में पढ़ा था, गज़वा बदर के बहुत सारी वजूहात और बहुत सारे असबाब की बिना पर गज़वा बदर लड़ी गई, और ये भी हमने पढ़ा था कि अबू जहल मुसलमानों से बदला लेने के लिए और मुसलमानों की आज़ादी से नाखुश था, चुनाचे उसने बहुत भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से मुसलमानों की इस आज़ादी से, और मुसलमान जैसे जान बचा के मदीना में गए और मुसलमानों का इस्तकबाल किया, उसका बदला उनसे लिया जाए। चुनाचे अबू सुफियान जो तजारती काफिले का सरबराह था, और ये काफिला मक्का से मदीना की जानिब रास्ते पर रवान दवा था, उसकी खबर देने के बावजूद, अबू सुफियान की इस खबर देने के बावजूद कि वो अब बाहिफाजत है और उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुरोह से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अबू जहल चूंकि मुसलमानों का मुकाबला करना चाहता था और उसके दिल में मुसलमानों से बदला लेने की आग तड़प रही थी, इसलिए उसने बदर की जानिब बदर से कुछ मुकाम पहले अपनी फौज को तैयार किया और तकरीबन 1000 लोगों के साथ जंग की तैयारी की। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा किया और तमाम सहाबा के मुत्तफिक राय के बाद ये फैसला किया गया कि मुसलमान अपना दिफा करेंगे। चुनाचे मुसलमान जो तादाद में 313 थे और इनके पास सामान ना होने के बराबर था, ऊँटों और घोड़ों की बहुत कम तादाद और जिरहें ना होने के बराबर थी, लेकिन फिर भी मुसलमान 313 की तादाद में बदर के मुकाम के करीब आए और वहाँ मुसलमानों ने पड़ाव डाला। चुनाचे जब मुसलमान उस इलाके में आए और इसके बाद अबू जहल और अबू सुफियान दोनों वहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने देखा कि ये मुसलमान उनके मुकाबले के लिए आए हैं और मुसलमान इतनी ज़्यादा तादाद में हैं, तो उनके दिल में रोब आ गया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ अपनी अस्करी ताकत पर एतमाद किया बल्कि अल्लाह ताला से भी बहुत गिड़गिड़ा कर दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान आज ख़त्म हो गए तो इसके बाद तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। चुनाचे अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को पूरा किया और 1000 फरिश्तों की फौज के जरिए मुसलमानों की मदद फरमाई और इस जंग का अख्तिताम मुसलमानों की कामयाबी पर हुआ। चुनाचे मुसलमानों और कुफारे मक्का के दरमियान एक खून रेज जंग हुई और इस जंग के फौरन बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह और कामयाबी दी। ये तो था गज़वा बदर का तारुफ। आज का सबक हम शुरू करेंगे द बैटल ऑफ ओहद और द बैटल ऑन द माउंट ऑफ ओहद। ओहद एक पहाड़ का नाम है जो मक्का और मदीना के दरमियान और मदीना से चंद मील के किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, और ये एक ऊंची पहाड़ी है जिस
के पास मुसलमानों ने पड़ाव और क्याम किया, और इसके करीब एक कुआं भी था जिससे मुसलमान वाफिर मकदार में पानी हासिल करते थे। और चूंकि इस पहाड़ी का नाम ओहद के नाम से मशहूर है, इसलिए ये जंग गजवा ओहद के नाम से मशहूर हुई। द फायर ऑफ विजेंस वॉज ब्लाइंडली बर्निंग इन द हार्ट्स ऑफ द मक्कंस, फॉर दे हैड मेट विद अ क्रशिंग डिफीट एट बदर। In the third year of Hijra, they marched with 3,000 well-armed soldiers towards Medina. The Kuffar of Makkah, having lost their greatest leaders at Badr, chose Abu Sufyan as the commander, who swore that he would not rest until he had full revenge on the Muslims. Hazrat Muhammad, peace be upon him, with the Muslims. Regarding the expected attack, it was finally decided to repel the attack outside the city of Medina. Kufare Makka ke dil mein Muslimanon se jinge Badr ka badla lene ki aag bhadki hui thi, aur wo chahte the ki jis tarah bhi mumkin ho Muslimanon se wo is fatah ka aur apni shikast ka badla lein. चुनाचे उन्होंने भरपूर कोशिश की और 3,000 अफराद पर मुश्तमिल एक बड़ा लश्कर तैयार किया। चूंकि कुफार अपनी इस जंग में अपने बहुत बड़े बड़े सरदार भी उनके सरदार भी मारे जा चुके थे, चुनाचे उन्होंने भरपूर कोशिश की कि अब अपनी तमाम ताकत और कुव्वत को जमा करके मुसलमानों के खिलाफ भरपूर अंदाज में सफारा होंगे और मुसलमानों का भरपूर अंदाज में मुकाबला करेंगे और हर तरह की मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि मुसलमानों से अपनी पहली नाकामी का बदला ले लिया जाए। अबू सुफियान इस जंग में मुसलमानों के खिलाफ कमांडर, कुफारे मक्का के ग्रोह का कमांडर बना, और अबू जहल ने उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्ट किया कि मुसलमानों के खिलाफ जंग में वो हिस्सा ले, अगरचे उसकी अपनी वफात गज़वा बदर में हो चुकी थी। और अबू जहल की वफात का बदला लेने के लिए अबू सुफियान ने ये वादा किया और ये कसम खाई कि वो तब तक आराम से नहीं बैठेगा जब तक मुसलमानों से इस चीज़ का बदला नहीं ले लिया जाता। और इसके मद्दे मुकाबिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम से मशवरा किया कि अब मुसलमानों की हिकमत अमली क्या होगी। चुनाचे तमाम सहाबा के मुत्तफिक राय के बाद ये फैसला किया गया कि मुसलमान शहर से बाहर पड़ाव डालेंगे और मदीना सिटी, मदीना शहर के बाहर रहते हुए अपने दिफा की खातिर कुरैश मक्का से जंग लड़ेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ऑफर्ड जुम्मा सलात आज मस्जिद नबी एंड लेफ्ट फॉर ओहद, अ माउंटेन रीजन 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ मदीना विद 1,000 मैन ऑन 14th ऑफ शवाल थर्ड ईयर ऑफ हिजरा। अब्दुल्ला इब्न उबई, द लीडर ऑफ द मुनाफिकीन और द हाइपोक्राइट्स, डिजर्टेड द मुस्लिम्स विद 300 ऑफ हिज मैन, रिड्यूसिंग द एंथुजियम टू डिफेंड द ट्रूथ द स्ट्रेंथ ऑफ द मुस्लिम्स आर्मी टू 700 मैन, पोली इक्विप्ड इन आर्म्स बट फिल्ड विद एंथुजियम टू डिफेंड द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट। इस जंग में अब्दुल्ला इब्न उबई, जो रईसुल मुनाफिकीन के लकब से मशहूर था, उसने बज़ाहिर तो मुसलमानों का साथ दिया लेकिन जंग करीब होने के वक्त में मुसलमानों से अलहदगी इख्तियार कर ली, और न सिर्फ मुसलमानों से अलहदगी इख्तियार कर ली बल्कि अपने 300 लोग जिनको उसने जंग में शामिल किया था लेकर अलग हो गया। इस नाजुक मौके पर मुसलमानों को अकेला छोड़ना ऐसे था कि गोया उनका किसी मामले में साथ ना दिया जाए, और बज़ाहिर ये गुरोह इस्लाम कबूल कर चुका था लेकिन पसे पर्दा ये कुफारे मक्का के भी साथी थे और वो यहूद जो मदीना में आबाद थे उनके भी मददगार थे।
चुनाचे इसने अपने 300 अफराद को मुसलमानों से अलग कर लिया और मुसलमानों की तादाद 700 रह गई। लेकिन अगरचे ये तादाद बहुत कम थी और उनके पास सरो सामान ना होने के बराबर था, लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा में जंग के लिए जज्बात में कमी नहीं, बल्कि उन्होंने खूब जोश व खरोश से इस जंग में हिस्सा लिया। Prophet Muhammad, peace be upon him, and the Muslims camped with the mountain behind them. On the one side, there was a mountainous pass, and there was danger of an attack from behind. So Prophet Muhammad, peace be upon him, posted 50 archers on Mount Hira under the command of Hazrat Abdullah ibn Jabir, with strict orders not to leave the post at any account, irrespective of victory or defeat. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में ओहद नामी एक पहाड़ के पास अपनी पनाहगाह बनाई और इस पहाड़ की एक जानिब जिस तरफ से मुसलमानों को खदशा था कि कुफार हमला कर सकते हैं, उस जानिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का एक दस्ता हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर की निगरानी में मुतय्यन किया और उनको ये हुक्म दिया कि वो किसी भी हालत में और किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। और चूंकि ये जगह ऐसी थी जो पूरे मैदान ओहद को मुहित थी और पूरे मैदान ओहद का अहाता करती थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर ये दस्ता यहाँ मुतय्यन किया और ये मुसलमानों का बेहतरीन दस्ता था जो तीर अंदाजी में माहिर थे। ऑन सैटरडे 15th ऑफ शवाल, थर्ड आफ्टर हिजरा, द अपोजिंग आर्मीज प्रिपेयर्ड फॉर बैटल। 15 शवाल 3 हिजरी को दोनों अतराफ से जंग की मुकम्मल तैयारी हो गई। एंड अकॉर्डिंग टू द अरब कस्टम, द बैटल बिगन विद अ राउंड ऑफ हैंड टू हैंड फाइटिंग बिफोर जनरल अटैक। और जंग का आगाज आम लड़ाई से पहले कुछ ख़ास शख्सियात की लड़ाई से हुआ, यानी कुछ ख़ास गुरोह थे। एक शख्स मुसलमानों की जानिब से पेशकदमी करता और एक शख्स कुफार की जानिब से पेशकदमी करता और दोनों आपस में मुकाबला करते, और इस तरह से जंग का आगाज़ हुआ और उसके बाद आम लड़ाई और आम हमला शुरू हुआ। हजरत अली हजरत हमजा एंड अंकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम किल्ड मेनी ऑफ द कुफार। 12 फ्लैग बियरर्स ऑफ द कुफार वर किल्ड, 8 ऑफ होम वर किल्ड बाय हजरत अली। कुफार का अलम 12 लोगों के हाथ में था, जिसमें से 8 लोगों को हजरत अली ने कत्ल किया, और हजरत अली और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, इन्होंने बहादुरी और दिलेरी के बहुत बड़े बड़े कारनामे इस जंग में जाहिर किए। द कुफार वर इन डेस्परेट सिचुएशन, सीइंग देयर ब्रेव सोल्जर स्लेन, दे फ्लेड फ्रॉम द बैटल फील्ड परस्यूड बाय द मुस्लिम्स। चुनाचे उन्होंने जब देखा कि हमारे अलमबरदार अफराद गिर चुके हैं और वो मर चुके हैं, उन्होंने मुसलमानों ने जब उनका पीछे से ताकुब किया तो वो जंग से मैदान जंग से भाग निकले। When the archers saw the fallen flags of the enemy and their companions collecting the booty, the spoils of the war, they sensed victory, and in their enthusiasm and desire to participate in the pursuit of the enemy, the archers overlooked the command of Prophet Muhammad peace be upon him and left their positions. जब आर्चर्स और तीर कमानों के इस गुरोह ने, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर ग़ज़वा ओहद में ओहद की पहाड़ी पर मुतय्यन किया था, उन्होंने देखा कि अलमबरदार कुरैश के अलमबरदार गिर चुके हैं और लोग कुरैश के अफराद मैदान जंग से भाग रहे हैं, उन्होंने ये महसूस किया कि शायद मुसलमान अब जंग जीत चुके हैं। और कुछ मुसलमानों के अफराद, कुछ सहाबा ऐसे भी थे जिन्होंने माल गनीमत इकट्ठा करने लगे या माल गनीमत इकट्ठा करने की कोशिश में लग गए। चुनाचे इन सहाबा ने यह समझा कि शायद मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह नसीब कर दी है। और इसके साथ एक वाक़या ये भी हुआ कि हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिरी शक्ल व शुबाहत में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे,
उनकी वफात इस जंग में हुई, तो लोगों ने ये समझा कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। चुनाचे एक सहाबी ने यह कलिमा बुलंद किया कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फोत कर भी दिया गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर भी दिया गया है, तो हम उस मकसद की खातिर, उस कॉज की खातिर लड़ेंगे जिसकी खातिर अल्लाह ताला ने उन्हें मबूस फरमाया है। चुनाचे कुछ लोगों के दिल में तो ना उम्मीदी पैदा हो गई, जबकि कुछ लोगों के दिल में इस बात से बहुत ज़्यादा जुरत और हौसला पैदा हो गया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को फैलाने की खातिर लड़ रहे हैं। चुनाचे मुसलमानों में दो किस्म के लोग हो गए, एक तो वो जो इसे इस मामले से बहुत खुश थे कि अब वो अल्लाह के दीन की खात बुलंदी की खातिर लड़ रहे हैं, और कुछ का ख्याल था कि वो मायूस और नाउम्मीद हो गए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है। चुनाचे सहाबा इकराम जो उस पहाड़ पर मुतय्यन थे, उन्होंने अपना अपना दस्ता छोड़ दिया और उन्होंने अपनी अपनी कमान जो थी वो नबी करीम सल्लम के हुक्म का ख्याल नहीं रखा और उस पहाड़ से उतरकर नीचे आ गए। चुनाचे खाले हजरत खालिद बिन वलीद जो बाद में मुसलमान हुए और उन्होंने ईमान कबूल किया, उन्होंने कुरैश मक्का को ये मशवरा दिया कि अब मुसलमान चूंकि सब मैदान में शामिल हो चुके हैं और तीर अंदाज दस्ता अपनी जगह छोड़ चुका है, चुनाचे उनके मशवरे के मुताबिक कुफार मक्का पीछे की जानिब से गए और उन्होंने उसी पहाड़ी पर कब्जा कर लिया जिस पर मुसलमान दस्ता मौजूद ना था, और उन्होंने उसके बाद वहाँ से मुसलमानों के ऊपर तीर बरसाए और मुसलमानों को एक जाहिरी शिकस्त दे दी जिसमें मुसलमानों के बहुत ज़्यादा अफराद की तकरीबन 70 के करीब सहाबा की वफात सिर्फ इस वजह से हो गई। चुनाचे यही वो जंग थी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दांत मुबारक शहीद हुए और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर एक तलवार का वार भी लगा, और इस जंग में हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को भी शहीद किया गया। और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने के बाद हिंदा जो अबू सुफियान की बीवी थी उसने कसम खाई थी कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कलेजा अपने दांतों से चबाएगी। चुनाचे उसने इस जंग में हजरत हमजा की लाश की बहुत बेहरमती की और कहा कि मुसलमानों से उन्होंने गज़वाए बदर का बदला आज ले लिया है। चुनाचे मुसलमानों को एक जाहिरी शिकस्त का सामना करना पड़ा सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हुक्म की नाफरमानी की थी। हजरत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, Muslims be happy, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is alive and well. Thereafter, Prophet Muslim said, "Come to me, I am the Rasul of Allah." चुनाचे ये पुकार, इस पुकार ने बहुत से लोगों को अंदर लोगों के अंदर जोश और जज्बा और खुशी की लहर दौड़ा दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जिंदा हैं। चुनाचे मुसलमानों ने बहुत जाफिशानी से लड़े, लेकिन चूंकि एक दस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी कर चुका था, इसलिए मुसलमानों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। And the kuffar had to retreat because they were frustrated in their attempts against the Muslims. Before leaving the battlefield, their passion and hatred took the most barbarous shape, and namely they gave vent to their vengeance on the dead bodies of the Muslims. और चुनाचे चूंकि वो मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे और मुसलमानों के से बदला लेने की आग उनके दिल में भड़क रही थी, चुनाचे उन्होंने जब जाहिरी तौर पर मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो मुसलमानों के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी लाशों की उन्होंने बेहुरमती की। एंड द बॉडीज वर मर्सीलेसली म्यूटिलेटेड, और इसमें हमने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल बताई है कि हिंदा
जो अबू सुफियान की बीवी थी उसने नबी करीम सल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु का कलेजा कच्चा चबाया था और उसने कहा कि आज हमने मुसलमानों से बदर का बदला ले लिया है। येट अगेन द कुफार लेफ्ट द बैटल फील्ड हैविंग फेल्ड टू एक्सटर्मिनेट इस्लाम, लेकिन फिर भी वो इस्लाम को ख़त्म ना कर सके और अपनी जान बचाते हुए मैदान जंग से भाग निकले। इसके बाद आती है द रिलेशंस विद द ज्यूज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ सबसे पहले मदीना के लोगों के साथ एक मुआहिदा किया और ये मुआहिदा इस बुनियाद पर किया गया कि तमाम इंसान अपने दीन पर अमल करने में आज़ाद हैं और कोई भी कबीला किसी दूसरे कबीले के खिलाफ जंग में हिस्सा नहीं लेगा, और अगर किसी कबीले के खिलाफ जंग की गई और उसके हरीफ को उसमें सताया गया तो हरीफ कबीले के खिलाफ जंग भी उसके अपने खिलाफ जंग समझी जाएगी। When Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam came to Medina, he signed a treaty or the agreement with the Jews to live in peace and harmony and help each other against anyone who wanted to attack Medina. And this treaty have the terms and condition that each and everyone who want to attack in Medina and who want to interrupt in the interrelations of the people who are living in Medina, there will be a common and combined attack against them. The Jews broke the treaty and conspired, made plans with the Quraysh of Makkah, the Munafiqeen and other enemies of Islam to bring to an end the mission of Prophet Muhammad, peace be upon him. But after some time they broke this treaty with the Muslims. उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों के साथ इस मादा को तोड़ दिया और कुफारे मक्का, मुनाफिकीन और कुफार मुनाफिकीन और यहूद मदीना ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जंग करने का एक प्लान तैयार किया। प्रॉफिट मुस्लिम ऑर्डर्ड द बनू कैनका आउट ऑफ मदीना एंड दे वेंट एंड सेटल्ड इन सीरिया। Banu Kainuqa and Banu Nadhir were ordered to leave Medina. They refused to make a new agreement and they attempted to assassinate Prophet Muhammad, peace be upon him. Some of Banu Nadhir clan settled in Khaybar while others went and settled in Syria. All this happened in the fourth year of Hijra. In the year fifth of Hijra, the Banu Qurayza joined the Kufar against the Muslims in the Battle of Ahzab. When a blockade of 1 month, they gave up and requested that Hazrat Saad bin Muaz, he asked to decide what should be done with them. In passing judgment, Hazrat Saad ibn Muaz ordered that the able bodies and active fighters to put to death, the women and children to be treated as prisoners of war, and their goods and property to be handed over as the spoils of war to be distributed among the poor Muslim workers. The decision was compatible with the commands of the Torah. So the people who were called Jews and the different tribes of Jews, they tried to some extent to be the rebellious against the Muslims. बनु कैनका, बनु नज़ैर और बनु कुरैज़ा जो यहूद मदीना के कबाइल थे, इनमें से कुछ कबीलों ने तो मुसलमानों के हुक्म के मुताबिक वो जगह छोड़ दी, कुछ कबीले खैबर में जाके आबाद हो गए, जबकि कुछ ऐसे कबाइल थे जिन्होंने मुसलमानों के साथ किसी किस्म का एग्रीमेंट, कोई मुआहदा साइन करने से इनकार कर दिया। और वो मुआहदा जो मुसलमानों ने उनके साथ मिसाक मदीना की सूरत में कायम किया था, उन्होंने उसको तोड़ दिया। चुनाचे अब यही ग्रोह कुफारे मक्का और मुनाफिकीन के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो गए। इसके बाद आती है बैटल ऑफ अहजाब, गज़वा अहजाब। गज़वा अहजाब 5 हिजरी में लड़ा गया और ये गज़वा
पिछले दोनों गजबों के मुकाबले में बहुत बड़ा और शदीद था। इसके बड़ा होने की वजह यह थी कि मुसलमान, इसको बैटल ऑफ अहजाब भी कहते हैं और द बैटल ऑफ एलाइज, इसके अलावा इसका दूसरा मशहूर नाम द बैटल ऑफ ट्रेंच है, गजवा खंदक। गजवा खंदक इसे इसलिए कहा जाता है कि हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी खंदक बनाई जो मुसलमानों के बचने का बायस बनी और जिसके जरिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता की, चुनाचे इसे बैटल ऑफ ट्रेंच कहा जाता है। और बैटल ऑफ एलाइज इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी ताकतें जिसमें कुरैश मक्का शामिल थे, उसके अलावा रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न अबी सलूल और उसका ग्रोह और वो तमाम लोग जो उसको सरदार मानते थे वो भी इस ग्रोह में शामिल थे, और वो ग्रोह जो इनके एलाइज थे, जो इनके हलीफ थे इस जंग में, वो उन्होंने भी मुसलमानों के खिलाफ शिरकत की। और इसके अलावा यहूद मदीना के तीनों ग्रोह बनु कैनका, बनु नुज़ैर और बनु कुरैज़ा, और कुछ ग्रोह मुकम्मल तौर पर और कुछ ग्रोह सिर्फ इनफरादी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जंग में शरीक हुए, और इन तमाम ग्रोहों ने मिल के मुसलमानों के खिलाफ हमला किया, इसलिए इसे बैटल ऑफ एलाइज कहा जाता है। This great army of 10,000 men and 4,000 camels and 300 horses marched toward Medina under the command of Abu Sufyan. Abu Sufyan की रहनुमाई में 10,000 अफराद, 4,000 ऊंट और 300 घोड़ों पर मुश्तमिल इस ग्रोह ने मुसलमानों के खिलाफ मदीना की तरफ अपना सफर शुरू किया। द कमिंग डेंजर सीम्ड टू कास्ट अ ग्रेट ग्लूम ओवर मदीना व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज इनफॉर्म्ड ऑफ द अप्रोच ऑफ द बिग आर्मी ही समंड द सहाबा टू डिवाइस मींस टू मीट द ग्रेट डेंजर। चुनाचे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने ज़्यादा बड़ी तादाद और इतने बड़े ग्रोह की आमद का पता चला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा किया और उनसे मशवरा तलब किया कि अब मुसलमान अपना दिफा कैसे करेंगे और दिफा करने का कौन सा तरीका और लायामल इख्तियार किया जाएगा। चुनाचे तमाम सहाबा इकट्ठे हुए और मजलिस शूरा में मुत्तफिका फैसले के बाद हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे के मुताबिक जो उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि ईरान में मुसलमान जब भी जंग की जाती तो हम एक बहुत बड़ी खंदक खोदते थे। चुनाचे मुसलमानों ने इस गजवे में एक बहुत बड़ी खंदक खोदी जो 5 मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी थी, और ये खंदक मदीना से कुछ फासले पर मदीना के बाहर के इलाके में खोदी गई क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि औरतें और बच्चे इस जंग में महफूज रहें और मुसलमानों के घरों का मुहासरा ना किया जाए। चुनाचे मदीना से बाहर निकल के मुसलमानों ने एक बड़ी सी खंदक खोदी और इस खंदक को खोदने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ एक आम इंसान की हैसियत से हिस्सा लिया। तमाम सहाबा ने दिन रात एक करके और मेहनत और कोशिश के साथ इंतहाई कम वक्फे में और इंतहाई कम वक्त में एक बहुत बड़ी खंदक जो 5 मीटर गहरी और 5 मीटर चौड़ी थी वो खोदी, और इसके जरिए मुसलमानों ने अपना दिफा किया। देर वॉज नो हैंड कम्बैट सिंस द ट्रेंच वॉज 5 मीटर्स वाइड, हाउएवर एरोज वर बीइंग शॉवर्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। अमर इब्न अब्द अ कुफार फाइटर made his horse jump over a narrow portion of the trench. As soon as he reached the other side, the Zulfikar, the sword of Hazrat Ali رضی اللہ عنہ flashed out and fell upon the army and killed him. Hazrat Ali رضی اللہ عنہ raised the war cry, Allahu Akbar, Allah is the greatest. چنانچہ اس جنگ کا آغاز ایسے ہوا کہ ایک شخص عمر ابن عبد نامی ایک شخص نے اپنے گھوڑے سمیت इस खंदक में छलांग लगा दी और मुसलमानों के खिलाफ सबसे पहला हमला उसने किया, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी तलवार जिसका नाम ज़ुल्फ़िकार था उसको उसके तरफ मारा और उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया और उसको कत्ल कर दिया,
और इसके साथ ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। चुनाचे इसके ज़रिए मुसलमानों ने, अगरचे मुसलमान तादाद में बहुत कम थे, लेकिन मुसलमानों ने एक ऐसा हरबा इख्तियार किया जिसके ज़रिए वो ना सिर्फ उनके हमले को रोक सके, बल्कि जो लोग इस खंदक को अबूर करने की कोशिश करते उनको भी मुसलमानों ने बहुत कड़ा जवाब दिया। और इसके ज़रिए इसके बाद अल्लाह सुबहान तआला ने मुसलमानों पर एक ख़ास रहम किया कि एक बहुत बड़ी आंधी और तूफ़ान उन पर लागू कर दिया, और जब ये तूफ़ान चलता तो इससे उनके ना सिर्फ खैमे उखड़ गए, उनके बर्तन बिखर गए और उनके जानवर भाग निकले, बल्कि इस हवा और इस आंधी का उनकी ज़ात पर बहुत बुरा असर हुआ। चुनाचे तकरीबन 27 दिन इंतज़ार करने के बाद और उस खंदक के गिर्द मौजूद रहने के बाद कुफार का लश्कर इस आंधी और तूफ़ान से घबरा कर भाग निकला, और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी ज़्यादा कोशिश और मेहनत के जंग में फतह नसीब की। इसके बाद हम पढ़ेंगे द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया। इन द सिक्स ईयर ऑफ हिजरत के छठे साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब आया जिसमें उन्होंने देखा कि अल्लाह सुबहान व तआला आपको अपने सहाबा के साथ मक्का में दाखिल होने और हज करने का शर्फ बख्श रहा है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 1400 सहाबा के साथ मक्का की जानिब हज करने की नीयत से वहाँ के सफ़र का इरादा किया, और चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा बहुत नेक था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा साफ था, चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को लिया और बग़ैर किसी इविल इंटेंशन के आपने अपनी तलवारें नयाम के अंदर रखीं और तलवार के अलावा किसी किस्म का कोई हथियार साथ नहीं लिया और कुर्बानी के चंद जानवर साथ लेते हुए मक्का का रुख किया। मक्का कुरैश मक्का को जब इस लश्कर की रवानगी का इल्म हुआ तो वो बहुत तिल मिलाए और वो ये समझे कि शायद मुसलमान अब मक्का पर हमला करना चाहते हैं। चुनाचे उन्होंने इस मिसअंडरस्टैंडिंग या इस गलती को ऐसे समझा कि शायद मुसलमान उन पर हमला करना चाहते हैं, चुनाचे उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश की। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे अपने सहाबा के साथ, उन्होंने तमाम सहाबा इकराम को ये हुक्म दिया कि तमाम लोग अपनी तलवारें नयाम के अंदर रखेंगे, एंड कॉमन विच वॉज नोन एज अ वेरी कॉमन फीचर्स इन दोज डेज, एंड कैमल्स फॉर एंड दे हैव सम कैमल्स फॉर देयर सेक्रीफाइस। व्हेन प्रोफेट मुहम्मद अप्रोच्ड मक्का ही एंड केम एट हुदैबिया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुंचे तो आप हुदैबिया के मुकाम पर आपने एक कैंप लगाया, एंड इट वाज अ माउंटेनियस प्लेन अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम मक्का इन द डायरेक्शन ऑफ जद्दा। ये जद्दा के करीब एक पहाड़ी इलाका था और पहाड़ी इलाके के करीब एक छोटी सी हमवार जगह थी जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ कैंप लगाया। द कुफार डिड नॉट अलाउ देम टू एडवांस डिस्पाइट द पीसफुल इंटेंशंस ऑफ द मुस्लिम, चुनाचे उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ये काम किया कि मुसलमानों को कभी भी मदीना में मक्का में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक कि वो अपने इरादे का इजहार ना करें या एक अमन व सलामती के इरादे के साथ मदीना मक्का में ना आए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी एक जानिसार सहाबी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना नुमाइंदा बना के कुरैश मक्का की तरफ भेजा, और हज़रत उस्मान को ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नुमाइंदा बनाकर इसलिए भेजा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कुछ ननियाली रिश्तेदार अभी कुरैश मक्का के साथ मक्का में मौजूद थे। चुनाचे जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ पहुँचे तो कुछ देर के बाद ये ख़बर मशहूर हो गई कि कुरैश मक्का ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को फौत कर दिया है, उनको मार दिया है, उनको कत्ल कर दिया है।
चुनाचे जैसे ही मुसलमानों के दरमियान ये खबर पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भड़क उठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से ये मशवरा किया कि अब हम पर ये लाजिम है और वाजिब है कि हम उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खून का बदला लें। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के एक दरख्त के नीचे तमाम सहाबा कराम से ये बैत ली और ये वादा और हलफ लिया कि वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खून का बदला लिए बगैर इस जगह से नहीं जाएंगे। वो हलफ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे तमाम सहाबा कराम से लिया हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कत्ल हो जाने के सिलसिले में, इसको बैत रिजवान कहा जाता है। और बैत रिजवान से ये मुराद है कि ये वो बैत और ये वो हल्फ था जिसको अल्लाह ताला ने भी पसंद किया। चुनाचे मुसलमानों ने जैसे ही बैत की और बदला लेने का सोचा तो कुछ वक्त के बाद कुरैशी मक्का को ये इल्म हो गया कि मुसलमान अब मक्का पर चढ़ाई करेंगे। चुनाचे उन्होंने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को रिहा कर दिया और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु अपने सहाबा कराम के साथ जा मिले। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को वापस देखा तो उन्होंने अपना इरादा तर्क कर दिया। एंड आफ्टर हजरत उमर के वापसी के बाद कुफार ने सुहेल बिन अम्र नामी एक शख्स को मुसलमानों के पास भेजा और सुहेल बिन अम्र नामी शख्स को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिंस द कुफार हैड सेंट हिम दैट इज सुहेल बिन अम्र, देयर इंटेंशन इज टू मेक पीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूंकि कुफार ने इनको भेज दिया है, इनको हमारे पास नुमाइंदा बनाया है अम्र बिन सुहेल को, इसका मतलब है कि कुफार अमन व सलामती चाहते हैं। चुनाचे अमर बिन सुहेल के बाद आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का के साथ एक सुलहनामा और एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको सुलह हुदैबिया के नाम से याद किया जाता है। सुलह हुदैबिया की अहम शरायत दरजैल थी। नंबर एक, द मुस्लिम्स वुड रिटर्न टू मदीना विदाउट परफॉर्मिंग उमरा। उनकी सबसे पहली शर्त यह थी कि मुसलमान इस साल उमरा नहीं करेंगे। दूसरी शर्त यह थी कि मुसलमान अगले साल आकर उमरा करेंगे और उमरे के लिए वो सिर्फ मक्का में 3 दिन का कयाम करेंगे, 3 दिन से ज्यादा कयाम नहीं करेंगे। तीसरी शर्त यह थी कि जो शख्स भी उमरा करने आएगा उसके हाथ में या उसके पास एक तलवार से ज्यादा कोई जंगी साजो सामान नहीं होगा। चौथी शर्त यह थी कि अगर कोई शख्स मुसलमान होकर मक्का चला जाता है तो मुसलमान उसको, अगर कोई शख्स मक्का से मुसलमान होकर मदीना में मुसलमानों के पास आता है तो मुसलमान उसको वापस कर देंगे। और एक शर्त यह थी, शर्त नंबर 5 यह थी, कंडीशन नंबर 5 यह थी कि अगर कुफार का कोई शख्स मक्का से मुसलमानों के पास आता है तो मक्का में उस शख्स को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई शख्स मदीना से इस्लाम कबूल करके मक्का जाएगा तो कुफार के कहने के मुताबिक उसको वापस मक्का पहुंचा दिया जाएगा। छठी कंडीशन ये थी, द कुफार वुड नीदर अटैक मुस्लिम्स नॉर हेल्प अदर्स अगेंस्ट देम, कि मुसलमान कुफार मक्का पर ना तो अटैक करेंगे, ना हमला करेंगे और ना ही उनके हमले के लिए किसी की मदद करेंगे। बट वुड रिमेन न्यूट्रल इन केस ऑफ मुस्लिम्स फाइटिंग अ थर्ड पार्टी, लेकिन अगर एक तीसरा ग्रोह कोई जंग करेगा तो मुसलमान उसमें सालिस और न्यूट्रल रहेंगे। और इस सुलहनामा की सबसे आखिरी शर्त यह थी कि ऑल द अरब ट्राइब्स शैल बी फ्री टू एंटर इनटू अलायंस विद विच एवर पार्टी दे लाइक, कि कुफारे मक्का के तमाम जो ट्राइब्स हैं, तमाम जो कबीले हैं, उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी है कि वो जिस मर्जी कबीले के साथ हलीफ या हरीफ के तौर पर शिरकत करें। और ये सुलहनामा, जब ये सुलहनामा लिखा जा रहा था, अम्र बिन सुहेल इसको लिख रहे थे। अम्र बिन सुहेल के बेटे अबू जंदल
जो इस्लाम कबूल कर चुके थे वो मक्का से भागकर मुसलमानों के पास आ गए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पनाह मांगी। लेकिन चूंकि मुसलमान इस माहदे को हतमी शक्ल दे चुके थे और ये मुसलमानों ने कुफार के साथ ये तय कर लिया था कि अब ये माहदा हो जाएगा, चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू जंदल को, जो इस्लाम कबूल कर चुके थे और अपने गिरोह की बहुत सारी सख्तियां और तकलीफें झेलने के बाद मुसलमानों तक पहुंचे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि वो वापस मक्का चले जाएं। इस बात या इस वाकये से ये असर हुआ और इसका इससे ये नतीजा निकला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई मुआहदा नहीं तोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वादे की पासदारी में बहुत ज़्यादा कामिल इंसान थे। चुनाचे अगरचे अभी हुदसुलानामा लिखा नहीं गया था, सिर्फ उसकी शरायत तय की गई थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदल को सब्र और बर्दाश्त के साथ और हौसले के साथ ये तमाम तकालीफ बर्दाश्त करने की उनको दरख्वास्त की और उनसे कहा कि आप ये तकालीफ बर्दाश्त करें, अल्लाह ताला इसमें आपके लिए बेहतरीन अजर रखेगा। और लेकिन उनको वापस लेने और उनको ये मशवरा देने से कि वो मदीना चले जाएं, उनको बाज रखा और अपने वादे की पासदारी की। चुनाचे इस वाक़े से ये पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई मुआहदा नहीं तोड़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे एपिस्टल्स टू द किंग्स एंड द गवर्नर्स, द डिफरेंट लेटर्स विच प्रॉफिट मुस्लिम हैज रोट टू द डिफरेंट किंग्स एंड द गवर्नर्स। द ट्रूस ऑफ हुदैबिया टर्न्ड आउट टू बी अ कंप्लीट ट्रायंफ फॉर इस्लाम, द नंबर्स ऑफ मुस्लिम इंक्रीज्ड बाय लीव्स एंड बाउंड्स, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम थॉट इट वॉज द ऑपरचून moment to spread the message of Allah far and wide, including the kings around Arabia. Prophet Muhammad peace be upon him addressed his companions as follows: Now the time has arrived that you should spread the message of truth. Prophet Muhammad peace be upon him selected some intelligent sahaba and entrusted them with written invitations to the Arab rulers and neighboring kings. He sent ambassadors to the emperors of Rome, Caesar of Persia, the Aziz of Egypt, the Negus of Abyssinia, and the Arab chief, inviting them to embrace Islam. Hazrat Abdullah ibn Huzaifa took a letter of invitation to the Persian court. The Caesar was enraged and tore the letter into pieces. And Prophet Muhammad peace be upon him surprised the Sahaba by telling them that the Caesar was dead. The Caesar's son had assassinated him that night. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ne 7th Hijri mein mukhtalif governors aur mukhtalif hukmaranon ko khatoot likhe aur Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ne apne sahaba se ye farmaya ki yahi wo waqt hai jab tamam logon ko islam ka paigham pahunchaya ja sakta hai aur ye behtareen waqt hai jisme islam ki tabligh ki ja sakti hai. Chunanche Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ne aziz e misr aur faras room iske ilawa ethiopia ya habsha ke nigus जिसका नाम निजाशी था उसको और अरब कबाइल के कुछ अफराद को खतूत लिखे कि वो इस्लाम कबूल कर लें। इनमें से निजाशी ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया जो मजहबन ईसाई था। इसके बाद कैसर, जिसका हाल हम पढ़ चुके हैं कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त का कोई एहतराम नहीं किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को फाड़ दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बुरी मौत की पेशन गोई भी कर दी। चुनाचे जब वो सहाबी वापस आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अल्लाह ताला ने उस वाक़े को सच कर दिया और उसी रात कैसर के बेटे ने अपने वालिद को कत्ल कर दिया। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अरब कबाइल के सरदारों को भी ख़त लिखे कि वो भी इस्लाम कबूल कर लें।
इस वाक्य से ये पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की रहनुमाई और लोगों के हक और सच्चाई पर अमल करने और दीन हक को अपनाने के लिए और दीन हक की तबलीग के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कोई मौका भी हाथ से ना जाने दिया। प्रॉफिट मुहम्मद आल्सो सेंट अ लेटर टू द अरब चीफ्स inviting them to worship one Allah. The epistles that were sent to the various kings in the year 7th after Hijra show that the Prophet Muhammad, peace be upon him, was a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala for the whole of mankind. And he, though surrounded with an unstable situation, believed that Islam would prevail and its light would illuminate the world. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया तक इस्लाम के पैगाम को पहुंचाने का जो मकसद लेकर वो दुनिया में आए थे, उन्होंने इस मकसद को पूरा किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकसद के तहत कि अल्लाह ताला ने जो इल्म और जो रोशनी इस्लाम की सूरत में दुनिया को दी है, वो तमाम मैनकाइंड, तमाम इंसानियत तक फैलाने की जिम्मेदारी अदा करते रहे। इसके बाद आता है मौता एक्सपीडिशन, ग़ज़वा मौता। In the 8th year of Hijra, hearing that the Byzantine emperor was gathering a force in Syria for the destruction of Islam, the Prophet Muhammad, peace be upon him, sent 3,000 men to Syria under the command of his freedman Zaid. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ko 8th Hijri mein jab ye maloom hua ke Byzantine aur Syria ke kuch ilake mein unke sultanat mein कुछ ऐसे हुक्मरान हैं जो इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं और इस्लाम को नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारसा की ज़ेरे निगरानी एक लश्कर जिसकी तादाद 3,000 बताई जाती है उसको तैयार किया और इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर मौता के मुकाम पर मुसलमानों को यह हुक्म दिया कि वो इस जंग में शिरकत करें। The campaign was unsuccessful except that it impressed the Syrians with a notion of reckless valor of the Muslims. The 3,000 did not hesitate to join battle with the 100,000s. मुसलमान अगरचे तादाद में सिर्फ 3,000 थे लेकिन कई हजार लोगों से उनका मुकाबला था और मुसलमान उनके खिलाफ जंग में एक मिनट के लिए भी हिचकिचाहट का शिकार ना हुए और मुसलमानों की बहादुरी और गर्मजोशी और जोशो खरोश से सीरिया यानी शाम के लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। When all the three leaders appointed by the prophet had been killed, the survivors obeyed Khalid bin Walid, who by his strategy and courage managed to preserve a remnant and returned with them to Al-Madina. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ne 3 sahaba ko is jang mein mutayyan kiya ki ye log alam uthayenge aur iske baad kis tareeke aur kis strategy aur kis hikmat-e-amli ke तहत jang ki jayegi. Chunanche Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ki tayshuda hikmat-e-amli ke तहत in logon ne जंग की और वो तीनों लोग जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में नुमाइंदा बनाया था, तीनों ने इस जंग में ग़ज़वा मौता में शहादत नोश फरमाई। चुनाचे उनकी शहादत के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद, जो इस वक्त इस्लाम कबूल कर चुके थे और एक बहुत बहादुर और पुरजोश दिलेर निडर इंसान की हैसियत से मुसलमानों के सिपा सलार होने की हैसियत उन्होंने संभाली और बहुत ज़्यादा करेज और हिकमत अमली के साथ मुसलमानों को इस जंग में फतह का अलम नसीब हुआ और मुसलमानों की फतह का बायस बने। चुनाचे इस जंग में मुसलमानों को जब फतह हुई तो हजरत खालिद बिन वलीद की हिकमत अमली पर अमल करने के मुताबिक उन्होंने मुसलमानों को फतह दिलवाई और वापस कामयाबी और कामरानी के साथ वो इलाका फतह करते हुए, शाम का सारा इलाका फतह करते हुए वापस मदीना को लौटे। इसके बाद हम पढ़ेंगे द फॉल ऑफ खैबर। खैबर का इलाका
मुसलमानों की मदीना में आमद के बाद खैबर के इलाके में यहूदे मदीना के कुछ अहम ग्रोह आबाद हो गए, और ये ग्रोह वो थे जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया था कि ये इलाका छोड़ दिया जाए, और इस इलाके को छोड़ने के बाद ये लोग खैबर के मुकाम पर पनाह हासिल करें। और खैबर ही वो मुकाम था जिसमें ज़्यादातर ज्यूज और यहूदे मदीना के लोग आबाद थे। ऑफ द थ्री मेन ज्यूश ट्राइब्स ऑफ मदीना, द बनू नुज़ैर, द बनू कुरैज़ा वेंट इन टू सेल्फ एक्साइल एंड सेटल्ड एट खैबर, अ टाउन सिचुएटेड 320 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ मदीना। दिस टाउन पोजेस्ड अ नंबर ऑफ फोर्ट्रेसेस एंड फोर्टिफिकेशंस ऑल अराउंड, दस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू गेन एंट्री। मदीना के से 320 किलोमीटर शुमाल में खैबर का इलाका वाक़े था, और इस खैबर के इलाके में बनू कुरैज़ा और बनू नुज़ैर, जो दोनों यहूदे मदीना के कबाइल थे, आबाद थे। ये इलाका काफ़ी अरसे, बहुत अरसे से इनके ज़ेरी निगरानी था, और ये इलाका ऐसा था जिस पर इनकी मुकम्मल हुक्मरानी समझी जाती थी। ये इलाका बहुत सारे किलों पर मुश्तमिल था, चुनाचे किसी के लिए इन इलाकों में, इस इलाके में दाखिल होना और इनको फतह करना या इन पर अपना कब्जा करना या इनसे जंग करना बहुत दुश्वार समझा जाता था। दे टुक एडवांटेज ऑफ द डिस्टेंस एंड बिकेम मोर एक्टिव इन द फाइनल अटेम्प्ट टू हार्म द मार्च ऑफ इस्लाम। और ये लोग चूंकि इस्लाम से नफरत रखते थे और इस्लाम के खिलाफ हर वक्त साजिशें करने में मसरूफ रहते थे, चुनाचे मक्का मदीना और मुसलमानों के साथ कुछ फासला ज़्यादा होने के बायस इन्होंने अपनी साजिशों का जाल मुसलमानों के खिलाफ फैला रखा था। आफ्टर द बैटल ऑफ अहज़ाब इन फिफ्थ आफ्टर हिजरा, द मलेक ऑफ द ज्यूज इंक्रीज्ड इन ग्रेट इंटेंसिटी। दीज ट्राइबल बर्डन द पेशेंस ऑफ द मुस्लिम आर्मी। और चूंकि ये मुसलमानों से बहुत ज़्यादा फासले पर थे, चुनाचे ये मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की साजिशें करते रहते। एंड ज्यूज इंक्री, और चूंकि मुसलमानों ने ग़ज़वा अहज़ाब जो 5 हिजरी में हुआ उसमें इनको शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया, और न सिर्फ इनको नुकसान पहुंचाया बल्कि इनको इनके इलाके से निकाल दिया, और इनको शदीद किस्म की शिकस्त हुई, चुनाचे इनके दिल में मुसलमानों के खिलाफ बदला लेने की आग भड़कती रही, और इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हर किस्म की साजिश करने के लिए भरपूर इकदामात किए। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेट आउट विद 1600 मैन फ्रॉम मदीना टू खैबर, सम मुस्लिम लेडीज एकॉम्पेंड द मुस्लिम आर्मी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट एन इस्लामिक स्टैंडर्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑफ 3 इस्लामिक फ्लैग्स। वन वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द शॉल ऑफ हजरत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एंड इट वॉज एंट्रस्टेड टू हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordered an attack, and one by one the fortresses fell into Muslims' hand. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ne 1600 sahaba par mushtamil ek bada groh tashkeel diya aur Khaybar ke ilake par hamle ka hukm diya. Chunanche Khaybar ke is ilake par जब हमला किया तो मुसलमानों का साथ बहुत सारी मुस्लिम ख़वातीन और बहुत सारी सहाबियात ने भी दिया, और ये वो जंग थी जिस जंग में पहली दफ़ा मुसलमानों ने मुख्तलिफ किस्म के अलम बनाने का, और मुख्तलिफ किस्म के अलम जो थे मुख्तलिफ अफराद को सौंपे। चुनाचे एक अलम जिसको हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक दुपट्टे से तैयार किया गया था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सौंपा गया, और यहाँ तक कि मुसलमानों ने इसमें भरपूर जंग करते हुए और यहूदे मदीना का मुकाबला करते हुए ऐसी कामयाब फतह हासिल की कि एक एक करके तमाम
किले मुसलमानों के हाथों फतह हो गए और मुसलमानों ने उस पर कब्जा कर लिया। When they reached the famous fort called Camus, the Muslims spent 20 days without entry. लेकिन इसमें एक किला जिसका नाम कामूस था, उसको उसका दिफा करने में और उसको हासिल करने में मुसलमानों को 20 दिन लग गए। यानी ये बहुत बड़ा, चूंकि ये बहुत बड़ा किला था और इस किले के ऊपर एक बहुत दलेर शख्स हुक्मरान था और वो इसका मालिक था, चुनाचे ये इलाका फतह करने में मुसलमानों को, ये किला फतह करने में मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा वक्त लिया। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज होपफुल ऑफ गेनिंग सक्सेस एंड हैंडिंग ओवर द फ्लैग एंड सो टू हजरत अली ही अपॉइंटेड हिम एज कमांडर ऑफ द ट्रूप्स। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये फ़र्ज सौंपा कि वो इस किले को का दिफा करेंगे और इसको, इसमें दाखिल होंगे और इसको सबसे पहले फतह करेंगे। चुनाचे हजरत अली ने एक पूरा दस्ता तश्कील दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हजरत अली खुद इस दस्ते के कमांडर बने। इवेंचुअली द फोर्ट्रेस वॉज कैप्चर, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हजरत अली ने इस किले को फतह कर लिया। और मुख्तलिफ रिवायात से पता चलता है कि हजरत अली बहुत ज़्यादा जांफिशानी से लड़े और बहुत ज़्यादा बड़ी बहादुरी और जोश खरोश और दलेरी के कारनामे उन्होंने इस जंग में दिखाए। चुनाचे जांफिशानी और दलेरी से लड़ते हुए उन्होंने इस किले को फतह कर लिया। सम 15 मुस्लिम मुजाहिदीन अचीव्ड मार्टिरडम एंड 93 ज्यूज वर किल्ड। इस जंग में 15 मुसलमान शहीद हुए और 93 यहूद मदीना को कत्ल किया गया। द ज्यूज सूड फॉर पीस एंड केम बेगिंग फॉर फॉरगिवनेस। और इस जंग का इख्तिताम ऐसे हुआ कि यहूद मदीना ने अपनी गलती और अपने गुनाह को तस्लीम कर लिया और मुसलमानों के पास माफ़ी मांगते हुए वापस लौटे। अ पीस ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द ज्यूज। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर का इख्तिताम ऐसे किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद मदीना को एक ट्रीटी और एक नए मुआहदे के तहत उसमें शामिल किया और ये मुआहदा मुसलमानों और ज्यूज के दरमियान एक नए सिरे से तश्कील पाया। इससे ये पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने बहुत सारी जंगों में बहुत अहम किरदार अदा किया और इनमें सबसे अहम किरदार, इस जंग में सबसे अहम किरदार हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत आयशा के दुपट्टे से बना हुआ एक अलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौंपा और इस जंग में एक बहुत बड़ा मशहूर किला कामूस नामी था जिसको फतह करना बहुत मुश्किल समझा जाता था। और मुसलमान जब इस इलाके को, इस किले को फतह करने लगे तो उन्हें 20 दिन का वक्त लग गया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दी और उनके हक में बेहतरीन फैसला फरमाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ की और साथ ही वो अलम उनको देते हुए उन्हें एक बहुत बड़े दस्ते का कमांडर बनाया। चुनाचे उसका कमांडर बनने के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ने बहुत जांफिशानी से लड़ते हुए इस किले पर काबिज हो गए। और जब आप इस किले पर काबिज हुए तो आपने मुसलमानों की ना सिर्फ फतह का बाइस बने बल्कि मुसलमानों को बहुत शानदार कामयाबी अता हुई। इस का नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ कुफारे मक्का, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न अबी सलूल, बल्कि यहूद मदीना के खिलाफ भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह और कामरानी नसीब की। और इससे एक बात यह भी पता चली कि मुसलमानों का रोब और मुसलमानों की एक इनफरादी हैसियत तमाम लोगों के सामने कायम हो गई। इन जंगों से एक फायदा यह भी हुआ कि अब चाहे
यहूद मदीना का ताल्लुक किसी भी गिरोह से हो और चाहे कुफारे मक्का किसी भी कबीले से ताल्लुक रखते हों, वो मुसलमानों के खिलाफ सरताबी नहीं कर सकते थे। उन्हें पता था कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रोब और दबदबा दिया है और मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों के दिलों में दीन को बुलंद करने का जो जोश और जज्बा और जोश और खरोश था, उसका मुकाबला दुनिया का कोई शख्स नहीं कर सकता था। चुनाचे यही वजह है कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इन जंगों में बेहतरीन कामयाबी अता की। ये तो थी गज़वाए खैबर के बारे में कि मुसलमानों को कैसे अल्लाह ताला ने खैबर के इलाके में फतह और कामयाबी दी। चुनाचे आज के इस सबक में हमने जिन अहम नकात को पढ़ाया है वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हमने गज़वाए उहद के बारे में पढ़ा, उसके बाद मुसलमानों और यहूदियों के आपस मुसलमान और यहूद मदीना के आपस के ताल्लुकात के बारे में पढ़ा, और जब यहूद मदीना ने इन ताल्लुकात को तोड़ा तो मुसलमानों और यहूद मदीना और कुरैश मक्का के दरमियान एक बहुत बड़ी मारका खेज जंग हुई जो गज़वा एहज़ाब के नाम से मशहूर हुई। इसके बाद हमने पढ़ा है द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया के बारे में कि मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान हज और उमरा करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरादा किया और उस इरादे को उन्होंने कहा कि वो अगले साल दोबारा उमरे के लिए आएँ और 3 दिन से ज़्यादा क़याम ना करें। और मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान ये पहला मुआहिदा था जिसमें मुसलमानों की इनफरादी हैसियत को कुरैश मक्का ने ख़ुद तस्लीम किया था, और कुरैश मक्का ने यह भी तस्लीम किया था कि अब मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर यह हक हासिल है कि वो इबादत की गर्ज से और नेक इरादों की गर्ज से मक्का में दाखिल हो सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़े कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुख्तलिफ हुक्मरानों को और मुख्तलिफ लोगों को खतूत लिखे उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने गज़वाए मौता के बारे में पढ़ा और उसके सबसे आखिर में हमने पढ़ा द फॉल ऑफ खैबर और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कैसे कमांडर बनाया और उनके ज़रिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यहूद मदीना के तमाम कबाइल पर फतह और कामयाबी दी। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नए लेक्चर में नए सबक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।